इंदौर प्रखंड के पूर्वी गुगुडी पंचायत के कुडीला गांव में प्रेम युगल ने शादी रचा ली। दोनों का प्यार इस तरह परवान चढ़ा कि दोनों जल्द ही जीवन साथी बनने का रस्म भी पूरा कर लिए। बीते दिन तब मामला प्रकाश में आया कि प्रेम युगल लड़का रामजी पासवान सुइया गांव का रहने वाला है। वह गिद्धौर स्टेशन लड़की पूजा कुमारी को बुलाया और उसे आसनसोल जाने के लिए कहा। बीते दिनों कई बार लड़का लड़की का शारीरिक संबंध बन चुका था। लड़की अपने मुखबिर से यह कहा कि हमको आसनसोल के होटल में कई बार ले गए और कई बार ले जाया गया और जैसी डी के होटल में ले जाता था। हमारे दोनों के बीच में बहुत ही पहले ही पति पत्नी का रिश्ता बन गया था और दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। अंततः ग्रामीणों के सहयोग से दोनों का शादी करवा दिया गया। ग्रामीण व समाज सेवी सुनील यादव के सहयोग से दोनों को गाँव के ही ब्रह्मा बाबा मंदिर में शादी रचा दी गयी। उसके बाद जमुई से कोर्ट मैरिज करवा दिया गया। कुडला गांव का लड़की के पिता राजेंद्र पासवान और सुइया गांव का लड़के का पिता नरेश पासवान बताया। ग्रामीण ने इसकी जानकारी गिद्धौर थाना अध्यक्ष को दिया और मौके पर पहुंचा एसआई नित्यानंद सिंह। कुंडीला गांव सभी लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं R9 भारत, मैं हूं सदानंद कुमार। आज कुंडीला गांव में एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है और आप तस्वीरों में साफ दिखेगा कि किस तरह से लड़का लड़की अपने मर्जी से शादी कर ली है और वहाँ के ग्रामीणों का भी उनको सहयोग मिला और उनकी माता का भी सहयोग मिला है। और आपको मैं बता दूं कि लड़का कटोरिया का रहने वाला है, लड़की कुड़ीला गांव की रहने वाली है जो कि गिद्धौर प्रखंड के अंतर्गत पूर्वी उर्ली पंचायत में आता है। और मैं आपको बता दूँ कि ये प्रेम प्रसंग का मामला लगभग बीते 5 वर्षों से चल रहा था और लड़का लड़की के बीच में शारीरिक संबंध भी कई बार बन चुका था और लड़का अपने मुंह से भी कहा है कि हम दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग का मामला बीते कई दिनों से और कई बार हो गया था। और मैं अपने आप इनके साथ शारीरिक संबंध बनाए कि नहीं है? इनके साथ शारीरिक संबंध बनाए आप बोलिए, वो इशारा नहीं, कितने बार? दो बार। अच्छा ठीक है, ये दोनों का मर्जी से हुआ तो फिर ये आपकी पत्नी है, अब इसको जीवन में अपना लीजिए। ठीक है ठीक है, जीवन में मेरा पत्नी रहेगी। हाँ, मैं से भी पत्नी इसको मानते ही मानते नहीं, आप मानना है, इसको कोई स्क्रेच नहीं आना चाहिए। अगर इसके ऊपर स्क्रेच आ गया तो आपके पूरे परिवार को मैं विनाश कर दूंगा। ठीक है, ये जान लीजिए, मैं बोल रहा हूँ सुनील यादव मेरा नाम है। ठीक, स्क्रेच आएगा, आप ये अपने से कुछ करेगी तो हम अपने से करेगी तो मैं आपको कर दूंगा, ये मेरा दायित्व बनता है। तो हम इसको हम चले जाएंगे इसका आज दिन के बाद, अगर एक इसका चूल भी पका हुआ अगर टूट गया, अगर इसको इच्छा मृत्यु मिला तो ठीक है, और अकाल मृत्यु अगर हुआ तो आपके परिवार को मैं विनाश कर दूंगा। मैं भी समाज सेवी लड़का हूँ और अपराध जगत में मैं 18 जिला का केस खाया हूँ। ठीक ना, आज मैं बता रहा हूँ आपको, और मैं ये देखिए मीडिया के बीच में बोल रहा हूँ। अभी मैं पूर्वी गुगुल्डी पंचायत का वार्ड नंबर 8 का मैं निर्विरोध सचिव उम्मीदवार हूँ। ठीक ना, अरे ऐसा जीवन में कभी अपने बच्चे को ये संस्कार नहीं दीजिएगा, आपसे मेरा ये अर्जी विनती होगा। कभी जिंदगी में देवे नहीं करें। हाँ। जो मम्मी की ना, हाँ। वो कभी नहीं करना चाहिए था। मम्मी मेरा संग में की है ना, मम्मी क्या की वो हम लोग नहीं देखे, आप दोनों जो किए वो देखे हम समाज। मम्मी क्या देख रहे थे आप लोग, जिसमें होटल अटेंड कर रहा था, मम्मी जा रहा था, मम्मी जाता था साथ, हम धूमधाम से करने के चक्कर में। यहाँ काम छोड़ो, धूमधाम तुम्हारा इससे अभी होगा ना कोर्ट मैरिज, आप पूरा धूमधाम से कर रहे हो, फिर से शादी होगा, कुछ नहीं होगा, और इधर आप क्या नाम है, पहले नाम क्या है? आप इधर के बोलो, रामजी पासवान। पापा का नाम? पापा के नाम, घर कहाँ है, गांव का नाम क्या है? अच्छा, अपने इरादा से अभी शादी करना चाह रहे हैं, ये रिलेशन में कौन लगते हैं आपको? मेरा साली लगती थी। आप बहन का, मेरा भाई का होती है। आप लोग दोनों अपने इरादा से शादी करना चाह रहे हैं? हैं? तुम्हारा शादी भी हुआ है? अनमैरिड है तुम? हमको पहचानते हो? मैं यहाँ का समाज सेवी हूँ। ठीक है, पूरे डिटेल ले लो तुम। लड़की तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पापा का नाम, मम्मी का नाम, घर कहाँ है, तुम इससे शादी करना चाहती है? हाँ, इस लड़का को कितना दिन से जान रही है? लड़का 5 साल से बात हो रहा है, 5 साल से ये लड़का तुमसे शादी करना चाहता है? हाँ, जी तुम चाहता है शादी करना? बाप भाई कुछ नहीं बोलेगा,
ठीक मतलब तुम दोनों खुश है अगर बाप माँ अगर इसको बोलेगा तुम्हारा पापा बढ़िया वीडियो बनाए दूर से सबके लिए पब्लिक को क्या बोलेगा पब्लिक को नहीं तुम लोग कहां हल्ला कर रहे हो अगर तुम्हारा मम्मी पापा कहेगा तुम मेरा मर्जी से शादी कर ले बिना मर्जी से तुम क्या करेगा इसको रखेगा या छोड़ देगा बोलिए ठीक है तुम रहेगी ना साथ में ठीक है बराबर पूरा पब्लिक के ले ले अरे बाला बाबू फलना बाबू ये की करते रहे जब ये सब तैयार है हमरे के गांव वाला ये में अभी नेपाल में यरन होकर हमारे जकरा करा लियो कर भाग नहीं अगले बात करना कि चल जीवे हम चल जीवे वही कल्याण जमुई से सदानंद कुमार की रिपोर्ट। बोधगया में 10 करोड़ की मूर्ति बरामद 5 तस्कर गिरफ्तार। जहां इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी बोधगया से जहां बिहार के बोधगया में 10 करोड़ रुपए की बेशकीमती मूर्ति बरामद की गई है। इसके साथ ही 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर बेशकीमती मूर्ति बाहर ले जाकर बेचने की फिराक में है। इस बीच पुलिस ने बोधगया के मसपुरा गांव में एक घर की घेराबंदी कर छापेमारी की। यहां से कई बेशकीमती मूर्तियां बरामद की गई। वहां से संदिग्ध हालात में 2 आरोपियों को दबोचा गया। पूछताछ में इन दोनों ने अहम जानकारी दी है। इनकी निशानदेही पर गया पुलिस ने नवादा जिले में छापेमारी की और वहां से भी 2 तस्करों के पास से मूर्ति बरामद की गई। जब्त मूर्तियों की बाजार में कीमत 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी गई है। बोधगया के मस्तपुरा गांव के रहने वाला तस्कर इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी भी इस मामले में ज्यादा जानकारी नहीं दे रही है। ये दिनांक 26 तारीख को एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि बोधगया में कुछ प्राचीन काल के मूर्ति तस्कर जो है चोरी की मूर्तियाँ खरीद कर उसको खरीद बिक्री करने वाले हैं। यहाँ इसकी सूचना मिली और तुरंत एक टीम गठित की गई SDP बोधगया के निर्देश में इनके नेतृत्व में और यहाँ पर बोधगया टीम थाना की टीम के द्वारा मस्तपुरा थाना गांव है बोधगया थाना अंतर्गत वहाँ पर रेड किया गया। घुंघर चौधरी पेशा स्वर्गीय रामेश्वर चौधरी घर पर छापेमारी की गई जहाँ से 2 प्राचीन मूर्ति और 4 स्तूप हैं जो इनके साथ कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि ये प्राचीन मूर्तियों की तस्करी खरीद बिक्री के लिए पटना से बोधगया आए थे। तो इन लोगों ने फिर बारी बारी से सबसे पूछताछ की और पूछताछ के क्रम में हमें कुछ और लीड्स मिले जिस पर हमने फर्दर यहाँ पर सूचना मिली कि एक मोहम्मद शमशाद आलम है जो कि सिलाव थाने का रहने वाला है। तो पहले भी 4 बार प्राचीन मूर्ति के चोरी के केस में और डकैती केस में जेल जा चुका है। इनके जो मोबाइल इनके पास मिली थी उसमें भी काफ़ी सारे प्राचीन मूर्तियों के फोटोग्राफ्स मिले थे और यहाँ पर जो खंडित भगवान बुद्ध की जो सर का जो फोटो है वो भी मिला था। तो उसके आधार पर हमने फिर फर्दर टीम गठित की और रेड कराना शुरू किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे इनको राजगी इनको देखा गया तो इन्होंने बताया कि लोग काफ़ी टाइम से जो भी प्राचीन मूर्ति है उनका कारोबार करते हैं और नेपाल के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो भी इनके कलेक्टर्स हैं जो स्मगलर्स हैं उनको ये लोग बेचते हैं ऊँची कीमतों में। इसमें घुंघर चौधरी है पिछले 8-10 वर्षों से बोधगया में मूर्ति और पुराने सामानों की दुकान थी। इसी के दौरान ये वाराणसी के कुछ जो तस्कर हैं उनके संपर्क में आए थे और उसके बाद ये मूर्ति तस्करी के धंधे में लग गए थे। ये बताया कि ये मुगल सराय दिल्ली दाऊदनगर और गया के विभिन्न कांडों में 4 बार जेल जा चुका है घुंघर चौधरी। दूसरा हमें मिला था तीसरा अरविंद दास जो कि पेशर कोकोदास ड्राइवर टोला मोहल्ला कटिहार का रहने वाला है। ये पेशे से मछली व्यवसायी था और मछली व्यापार के दौरान ही ये कुख्यात मूर्ति तस्कर जो मोहम्मद शमशाद आलम है उसके संपर्क में आए और शमशाद आलम ने इनको अपने नेपाल में जो कस्टमर बेस है उनसे इन लोग को अवगत कराया परिचित कराया और फिर उनके साथ ये लोग जो भी यहाँ पर प्राचीन हमारे पुरातत्व से आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मूर्ति हैं कलेक्ट करते रहे और उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चोरी से बेचते रहे हैं। अमित कुमार है पेशर है नसीब लाल ये दानापुर उसरी का रहने वाला है। ये ज़मीन का दलाली करता है मुख्य रूप से और इसने भी अरविंद दास से मिलकर प्राचीन मूर्ति खरीदने और नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की योजना बनाई थी। इनका टारगेट ये था कि यहाँ से मूर्ति को गया से सुरेश निखर की रिपोर्ट R9 भारत के लिए।